तो कैसे हैं मेरे कोरियन ड्रामा लवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से दो नई आई हिंदी में डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में बताने वाला हूं। और मैं इतनी सियोरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों ही ड्रामा आपको बिल्कुल बोर नहीं करने वाली। तो आप इन ड्रामास को देखें उससे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन ड्रामास के बारे में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको इन्हें देखने से पहले पता होनी चाहिए। तो बस बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक और इस पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। My ID is Gangnam Beauty। तो सबसे पहले बता दूं कि ये वेब सीरीज उनके लिए है जो एक टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं। अब अगर थोड़ा इस सीरीज के बारे में बताऊं, तो अगर आपने एक कोरियन एनिमे सीरीज लुकिज्म देखी है तो ये वेब सीरीज 90% आपको वैसी ही फील होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो अगर आपने लुकिज्म देखी है उसके बाद आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। खैर, ये वेब सीरीज कहानी दिखाती है एक ऐसी लड़की की जो मोटी और अनअट्रैक्टिव है, और इसी कारण उसका हर जगह मजाक बनाया जाता है और उसका कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहता। अब कैसे एक मोटी और अट्रैक्टिव लड़की खुद को बिल्कुल चेंज कर लेती है और हर तरह से खूबसूरत बन जाती है, और फिर उसके बाद उसकी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं और जो कुछ भी होता है, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉच बट डिसेंट सी सीरीज है जिसे आप एंजॉय करेंगे। बस आप MX प्लेयर की डबिंग को मैनेज कर लेना यार। और आपको इस सीरीज को पूरा देखने के लिए 1 घंटे के राउंड के टोटल 16 एपिसोड देखने होंगे। द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक थ्रिलर मिस्ट्री जोनरा की सीरीज है, तो अगर आप इस जोनरा की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी, जिसके हर एपिसोड में आपको एक नए केस को सॉल्व करते हुए दिखाया जाता है और इसके साथ ही एक मेन स्टोरी लाइन भी चल रही होती है। तो अगर आपको इस तरह की मिस्ट्री थ्रिलर वाली सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा इसके प्लॉट के बारे में बताऊं, जो बेसिकली कहानी दिखाती है 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों की, जिनमें से एक है पुलिस डिपार्टमेंट से, दूसरा फायर फाइटर और तीसरी एक लेडी जो पैरामेडिक टीम से है। अब तीनों मिलकर हर एपिसोड में केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं और साथ ही इन तीनों की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा होता है, तो ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। ओवरऑल ये एक अच्छी और ग्रिपिंग सीरीज है जिसे आपको पूरा देखने के लिए 1 घंटे के राउंड के टोटल 12 एपिसोड देखने होंगे, और आप इसे एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो अपनी आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आपने इनमें से कोई भी सीरीज देखी है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।